एरिन्स या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर स्ट्रक्चरल और कन्फर्मेशनल या कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म होता है कि नहीं होता, और उनकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगी। नमस्ते, मेरा नाम दिव्य दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई। आइसोमेरिज्म इन एरीन्स। अब आपने पढ़ना है कि एरीन्स में आइसोमेरिज्म है कि नहीं है। ठीक है भाई, कौन कौन से आइसोमेरिज्म है? तो पहली बात तो मैं आपको बताऊं भाई कि यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको देखने को नहीं मिलेगा। बेंजीन में मतलब, अगर ध्यान रखिए भाई, एरीन्स में आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बेंजीन में क्या है, ये वाला क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं क्या? अरे बोलो। चलो तो पहले मैं बात तो आपको वही, हाँ ऑप्टिकल यहाँ पर नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या रहेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा। लेकिन अगर मेरे पास मिथाइल बेंजीन हो, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होएगा भाई। क्यों? क्योंकि जो 3H है, क्या होते तीन, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट वैसे भी क्या होती रहती है, रोटेशन होती रहती है। नहीं आपको अगर ना भी हो तो, अगर मान लिया इसको मैं ऐसे काटेंगे, मान लिया ऐसे होइए, तो इसको इक्वल आप हाउस में काट सकते हो आप, यानी एक एच दो सी और बेंजीन का आप कट जाएगा, एक एच साइड एक एच इस साइड, तो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। हाँ अगर आप बेंजीन रिंग जो है ना उसके ऊपर जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है इस पे चार ग्रुप क्या कर दो डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। नहीं आपको मतलब, ये तो क्या हो जाए आपका CH3, ये क्या हो जाए ET, क्या हो जाए, और ये क्या हो जाए PR। तो ये कौन है, CH3 ET PR और फिनाइल। तो इस कार्बन पे एटलीस्ट क्या हो, चारों ग्रुप, ये एरोमेटिक भी है, और इस कार्बन पे चारों ग्रुप क्या हो गए, डिफरेंट, चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए, तो इसके अंदर क्या अराइज होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, इजंट इट। और मैं भाई तुम क्या बोलेंगे, और इसके हम बोले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या, तो वो बताओ आप इसके भाई कैसे बना सकते हो। तो स्पेशली आपको यहां पर पढ़ने हैं, पता किसके, आपको यहां पर भाई स्पेशली किसके पढ़ने हैं, अरे बोलो भाई। तो एक तुम्हारे पास क्या हो गया, अरे भाई एक तुम्हारा क्या है, वन वन टू डाई मिथाइल, एक तो मेरे पास क्या हो, डाई मिथाइल वाले कौन से हो जाएंगे। देखो मोनो सब्स्टिट्यूटेड में आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, लेकिन डाई में पॉसिबल है। कैसे भाई, एक तो मिथाइल कौन सा हो, वन वन टू मिथाइल हो, एक कौन सा मेरे पास, वन थ्री मिथाइल हो, एक कौन सा मेरे पास, वन फोर मिथाइल हो, यानी कि ऑर्थो जाइलीन मेटा जाइलीन और क्या हो जाए, पैरा जाइलीन, इजंट इट। ठीक है बात, अरे बोलो। और मेरे पास क्या हो बताओ, अगर मेरे पास क्या हो, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड क्या हो, मेरे पास बेंजीन होता, क्या होता मेरे पास, ट्राई वाला, तो एक तो कौन सा हो जाएगा, वन टू थ्री ट्राई मिथाइल वाला, और तीनों क्या है, एडसेंट, तीनों क्या है, एडसेंट, और एक कौन सा हो जाएगा हमारे पास, एक यहां है CH3, एक यहां है, और एक एक स्टेप छोड़ के है। नहीं आपको, अरे बोलो। और एक कौन सा हो जाएगा हमारे पास बताओ, एक, तीनों ही क्या हो, अल्टरनेट, तीनों क्या हो भाई, अल्टरनेट। तो अगर मेरे पास क्या है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड क्या है मेरे पास, मिथाइल बेंजीन, ट्राई मिथाइल बेंजीन, तो इसमें क्या हो जाएगी, तीन हो जाएंगे। नहीं आपको, ऐसे आप औरों को भी तैयार कर सकते हो। नहीं आपको, अरे बोलो। और मैं आपको बताऊं भाई, और आप इवन जो नेफ्थलीन, जो एंथ्रासीन होता है उसके भी क्या बना सकते हो आइसोमर, वो भी आप उसमें क्या है भाई, आइसोमर है, एरोमेटिक कंपाउंड में। आपको ऐसे कैसे, आप ही बताओ। जब मैंने आपको, जैसे मेरे पास दो बेंजीन रिंग हो, मेरे पास क्या हो, तो इनको तो कैसे लगाओ, एक ही चीज बनेगी, मतलब ये बेंजीन रिंग मैं यहां लगाता हूं, यहां लगाता हूं, तो बात तो एक ही होती, लेकिन तीसरा बेंजीन रिंग अगर मैं साइड में लगाता हूं तो अलग चीज बनती है। लेकिन अगर तीसरा बेंजीन रिंग बताओ फिनेंथ्रीन में मैं कहाँ लगाऊं बताओ, यहां लगाऊं, नहीं है आपको समझ में, तो क्या बनेगा, अलग चीज बनेगी। नहीं आपको, तो एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन भी क्या आपस में आइसोमर्स है कि नहीं है, तो हम क्या बोले, यहां भी क्या है, आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी यहां भी है भाई, यानी कि एरिन्स के अंदर भी क्या होता है,
क्या होते हैं यहां पर? आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, इजंट इट? ठीक है, समझ गया। ओके, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।